इतनी सी सामग्री से मेरा क्या होगा? तुम सब भी तो हो। यहाँ इतना ही है, हमें इसी से संतोष करना पड़ेगा। संतोष मैं करूं अथवा तुम सब? हम सभी संतोष करेंगे। नहीं, ऐसे भोजन से क्या लाभ जिससे ना भूख शांत हो ना आनंद आए। जाओ इधर उधर ढूंढो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे वहाँ फलों के कितने पेड़ हैं? अब तुम सब भी खाओ। स्वादिष्ट है। देवी अहिल्या, शीघ्र चलो, पूजा का समय हो गया है। स्वामी, किसी ने हमारा आश्रम उजाड़ दिया। लगता है कई सारे जंगली पशु यहाँ घुस आए थे। नहीं देवी अहिल्या, ये कार्य किसी पशु का नहीं है। गौरी पुत्र गणेश। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश को हमारा आश्रम उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी? हम तो स्वयं ही उनके अतिथि सत्कार के लिए तत्पर थे। गौरी पुत्र गणेश ने यह उचित नहीं किया, हमें इसका विरोध करना होगा। बाल लीलाओं की भी एक सीमा होती है। स्वामी, बालक तो बालक ही होते हैं ना? यदि बालकों का बालकपन ऋषि और आश्रमों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे तो उसका विरोध करना होगा, क्योंकि बालकों के चरित्र और भविष्य के निर्माण का कार्य आश्रम ही करते हैं। स्वामी, श्री गणेश तो महादेव शिव और महादेवी गौरी के पुत्र हैं। इसी कारण देवी अहिल्या, उनका उत्तरदायित्व औरों से अधिक है। शिव और पार्वती का पुत्र जो कार्य करेगा, संसार उससे आदर्श ग्रहण करेगा। बाल लीलाएं उद्दंडता तक पहुंच जाएं, इससे पूर्व उन्हें रोक देना चाहिए। हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। मयूरेश्वर को कहाँ छोड़ आए कार्तिकेय? तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया कुमार? क्षमा करें माता, विलंब का कारण आप मयूरेश्वर से ही पूछ लीजिएगा। वो मेरी कोई बात ही नहीं मानता है माता। देवी पार्वती, कुमार के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया है। परंतु मयूरेश्वर कार्तिकेय के साथ लौटा क्यों नहीं? मयूरेश्वर कहीं बाल लीलाओं में खोया हुआ है। वो शिवगणों के बालकों के साथ कहीं रम गया है। बाल लीलाओं में ऐसा क्या रमना कि माता पिता की चिंता ही ना हो उसे? आने दीजिए उसे। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश साक्षात महागणेश के अवतार हैं, इसीलिए उनकी बाल लीलाएं भी चमत्कारी हैं। और हो सकता है कि हमारा उजड़ा हुआ आश्रम पहले जैसा हो गया हो। ये प्रश्न उजड़ने और संवरने का नहीं है देवी अहिल्या, ये प्रश्न है मर्यादा का। ये भी तो हो सकता है स्वामी कि बालकों को भूख लगी हो और हमें आश्रम में न पाकर उन्होंने स्वयं ही भोजन सामग्री ढूंढकर खा ली हो।
योगेश्वर और यज्ञेश्वर भगवान शिव का पुत्र क्या अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता? ऐसा कार्य मनुष्य नहीं करते, राक्षस करते हैं, और हमें तो कभी राक्षसों ने भी इतना नहीं सताया। हम कहां जा रहे हैं? कैलाश, मयूरेश्वर श्री गणेश की उद्दंडता को महादेव से अवगत करवाने। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता अहल्या। आप शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश है ना? आपने ऐसा क्यों किया? देखिए मुनिवर कितने क्रोधित हो रहे हैं। माता, ना तो मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूँ और ना ही मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्या आपको एक ऋषि के क्रोध की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता के कारण ही तो यहाँ पर रुका हूँ माता, परंतु ऋषिवर का क्रोध यहाँ शांत नहीं होगा। तो कहाँ शांत होगा? वहीं पहुंचकर जहाँ जाने के लिए आप दोनों आश्रम से निकले थे। प्रणाम। देवी पार्वती, आश्चर्य है, मयूरेश्वर अब तक अपने बाल सखाओं के साथ कैलाश क्यों नहीं लौटे? अब तुम ही बताओ, हम गौतम ऋषि को कैसे संतुष्ट करें? मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाकर भयानक भूल की है। उसने हमारा पुत्र होने के नाते हमारा नाम अप्रतिष्ठित किया है। उसे इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा। आने दीजिए उसे। नहीं नहीं देवी पार्वती, हम गणेश को दंडित करवाना नहीं चाहते। वे हमारे पूज्य हैं, हमारे आदर के अधिकारी हैं। यदि आप उन्हें दंडित करेंगी तो उसका पाप हमारे मस्तक पर होगा। यज्ञेश्वर शिव और यज्ञेश्वरी शिवा का पुत्र तो संसार के लिए एक आदर्श है। यदि वो इस प्रकार की उद्दंडता और उत्पात का कार्य करेगा तो संसार में कौन उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा? मेरी आपसे एक विनती है महादेव, कि आप मयूरेश्वर को समझाएं। ऋषिवर उचित कह रहे हैं देवी पार्वती, आप मयूरेश्वर को दंडित करने का विचार त्याग दें। हम स्वयं उन्हें सावधान कर देंगे कि भविष्य में ऐसी भूल कदापि ना हो। महादेवी, मयूरेश्वर ने प्रथम बार ऐसा उत्पात किया है, इस बार उन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। ऋषिवर, मैं जानती हूँ क्षमा ऋषियों का आभूषण है, परंतु मयूरेश्वर की आयु के बालक क्षमा का अनुचित लाभ उठाते हैं। जिसे संसार में अग्र पूजा का स्थान प्राप्त हो उसके कार्यों से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। माता, तो क्या आप वास्तव में मयूरेश्वर को दंडित करेंगी? बालक के उज्जवल भविष्य के लिए ही माता पिता उसे दंडित करते हैं। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, भविष्य में मयूरेश्वर ऐसी भूल नहीं करेगा। जगत माता पार्वती जो भी करेंगी उसी में जगत का कल्याण है। अच्छा, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता अहल्या। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें। हे प्रिय अग्र पूज्य मयूरेश्वर, आपने क्षमा याचना करके अपने सारे जाने और अनजाने में किए अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। यशस्वी भव। माता, अपने क्रोध का त्याग करें। मयूरेश्वर की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, इसे दंडित ना करें माता। तुम्हें मयूरेश्वर की ओर से क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है कुमार। जब मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाया था तो तुम सब ने उसे क्यों नहीं रोका? शांत क्यों खड़े हो? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? उत्पात तो हम सब ने मिलकर मचाया था बड़े भैया, दोषी हम सब हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। कुमार, भूख लगने पर भोजन को पाना तो हर प्राणी का अधिकार है। यह अधिकार दिलाने के लिए मयूरेश्वर ने इनकी सहायता की,
इसमें अपराध कैसा? पिताश्री, भोजन प्राप्त करना अपराध नहीं है, किंतु भोजन प्राप्त करने के लिए किसी के आश्रम में उत्पात मचा देना, ये तो अपराध ही माना जाएगा ना। कुमार, आश्रम किसी के निजी संपत्ति नहीं होते, उस पर समाज के हर प्राणी का समान अधिकार होता है, किंतु मनुष्य लोक में हर दिन एक नई परंपरा जन्म लेती है, जिसके कारण आज ऋषि मुनि भी इन आश्रमों को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं। जिस स्थान पर ऋषि मुनि यज्ञ, आराधना, पूजा पाठ और निवास करते हैं, वो स्थान तो उनका ही कहा जाएगा ना? नहीं कुमार, कहने को तो प्राणी का जीवन भी अपना नहीं है। अर्थात प्राणी का जीवन भी परमात्मा की इच्छा के अधीन है। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को भूमि, प्रकृति और परमात्मा की देन है, उसी प्रकार भोजन, फल, फूल सभी कुछ प्रकृति और परमात्मा की देन है। संग्रह की प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य इन्हें अपना मानने की भूल कर बैठते हैं, जो अनुचित है। इसका अर्थ हुआ कि मयूरेश्वर ने कोई अपराध नहीं किया? अर्थ तो यही हुआ कुमार कार्तिके, परंतु इस अर्थ को तुम्हारी माता माने तभी इस अर्थ का सार्थक होगा। प्रणाम पिताश्री। चलो मेरे साथ। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 नारायण। तेरा उत्पात सारी सीमाएं तोड़ चुका है मयूरेश्वर। शिव पार्वती का पुत्र होने का लाभ उठाकर तू अपनी मनमानी करता है। ऋषि मुनियों को सताकर तू हमें चारों ओर अपमानित करवाता है। हाँ माताश्री, आप मयूरेश्वर को दंडित ना करें। जिस अपराध का दंड आप मयूरेश्वर को दे रही है, वो उसने अकेले नहीं किया, ये सब भी उसके दोषी है। मयूरेश्वर को मेरे दंड से बचाने के लिए तुम असत्य कह रहे हो कुमार। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, स्वयं इन सब ने ही मुझे सत्य से परिचित कराया है। मैं जानती हूँ मयूरेश्वर को बचाने के लिए ये सब असत्य कह सकते हैं, इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा। परंतु माता। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मयूरेश्वर इन सब का नेता है। यदि ये न कहता तो क्या ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर इनमें से कोई भी उत्पात मचाने का साहस कर सकता था? नारायण नारायण, अग्र पूज्य मयूरेश्वर को इस प्रकार दंडित न करें माता, इसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। तुम बिना बुलाए यहाँ क्यों प्रकट हो गए नारद? मैंने तो तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। तुम मुझे किसी परिणाम का भय न दिखाओ। अपराधी पुत्र को दंडित करना माता का कर्तव्य होता है। शांत हो जाए माता, कृपया शांत हो जाए। मैंने कहा ना देवऋषि, आप माता और पुत्र के मध्य न आए। एक बात कहूँ माता, आप मुझ पर क्रोध तो नहीं करेंगी ना? मैं तुम्हारी चतुराई जानती हूँ मयूरेश्वर, परंतु आज तुम्हारी किसी भी बात से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। कोई तुम्हारे नाम का उलाहना लेकर कैलाश आए, ये मुझे प्रिय नहीं। मेरी बात सुन तो ले माता। कहो क्या कहना चाहते हो? आप मुझे इसी कारण इतना कठोर दंड दे रही हैं ना, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ। आप मुझसे सौतेला व्यवहार कर रही हैं ना माता? नारायण नारायण। हे मयूरेश्वर, आपको दंड देने का माता का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ये लौह श्रृंखला खोल दूं।
नहीं देवर्षि, मैं अपनी माता के न्याय का अपमान नहीं करना चाहता। नारायण नारायण, हे मयूरेश्वर, तो क्या आप इसी लौ श्रृंखला में बंधे रहेंगे? नहीं देवर्षि, मेरे इस मयूरेश्वर अवतार का उद्देश्य इस घटना के साथ पूर्ण हुआ। अब मैं इसी स्वरूप में इस कैलाश की और आप सबकी विदा लेकर श्री महागणेश के पास जा रहा हूँ। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः।